हमारे सारे बातों को सुनने वाला और हमें हमें आगे बढ़ाने वाला, हमें आशीष करने वाला प्रभु है। हालेलुया। यशायाह 52 उसका 7, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहाने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो जाति की शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। सुसमाचार प्रचार करने वाला, पहाड़ियों में चलने वाला वो व्यक्ति का पैर कैसे होगा, बहुत सुंदर रहता है। हालेलुया। और आज इधर बैठने वाला सभी भाई बहनों, आप लोग सुसमाचार को प्रचार करने वाला लोग हैं। आप लोग का पैर कितना सुंदर है। वचन कहता है तो हम सभी जगहों में, सभी क्षेत्र में, सभी जगहों में हम जाने से हम सोचना चाहिए प्रभु हमें बुलाया है, प्रभु हमें ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए आगे बढ़ाया है। सो ये दूतों को नहीं मिला हुआ जैसा बड़ा अभिषेक, बड़ा आशीष प्रभु हमें दिया है। हालेलुया। उसका 10वां वचन हम पढ़े, यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपने पवित्र भुजा प्रकट की है और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। प्रभु का वो आशीष को सभी लोग, उसका रक्षा को सभी लोग, उद्धार को देख पाएंगे। हालेलुया। आप लोग अभी बैठ रहा है उसी जगह में, वैसे ही बैठ रहने से आप लोगों को एक उजियाला बन नहीं सकेगा। हम और आप लोग थोड़ा सा पहाड़ियों में चलना है, थोड़ा सा ऊपर की ओर चलना है। हालेलुया। और हम ऊपर की ओर चलने से आपको सभी लोगों के बीच में एक उजियाला प्रभु ठहराएंगे। हालेलुया। जैसे उजियाला होगा, आपके मुंह से आने वाला वचन दूसरों को भी वो उद्धार की ओर लेके आने वाला जीवन का वचन है। हालेलुया। ये वचन सुनाने वालों का फेर कितना सुंदर है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है ये जगह में बस नहीं, पृथ्वी के चोर तक, लास्ट जगहों में तक प्रभु का वचन सुनाने वाला वो सुनाते रहेंगे। प्रभु का वचन सुनने वाला लोग उसके उद्धार को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। उसके नीचे पढ़ेंगे, दूर हो दूर वहां से निकल जाओ। हाँ, प्रभु का वचन कहता है दूर हो जाओ, दूर हो जाओ और वहां से निकल जाओ। हालेलुया। आज किसी लोगों को प्रभु बोल रहा है दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। आप वो पहाड़ियों में चढ़ना है तो कुछ जगहों से दूर हो जाओ। हालेलुया। आप किस कैसे हैं? आज हम सोच रहा है ये जगह में हम अच्छा है, ये जगह में हम बढ़िया है और ये जगह में मैं अच्छा है, वैसा नहीं। आप बहुत लोगों के लिए उजियाला हो रहा है या नहीं वो सोचना जरूरी है। हालेलुया। और यहाँ पे वचन कहता है आप लोग किस जगह से दूर होना है, आप किस जगह से दूर होके आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु ने हमको दुनिया से अलग करते हुए, प्रभु ने हमें दुनिया से अलग करते हुए वो प्रभु का दास लोग बनाया है। हालेलुया। और प्रभु का दास लोग बनाने से कभी कभी कुछ लोग गिर जाता है, कुछ लोग कभी कभी हमारे बोली में, हमारे सोच विचार में, हमारे सभी दर्शन में कुछ लोग आगे बढ़ नहीं पा रहा है। उनको प्रभु बोल रहा है आप लोग बैठ रहा है जगह से थोड़ा ऊपर की ओर आओ। आपके दिया अभी नीचे रखा है तो आपके रूम में दूर में बैठने वाला लोगों को उजियाला नहीं मिलेंगे, उसको ऊपर रखना है। हालेलुया। आप भी प्रभु का सुसमाचार सुनाने वाला और प्रभु का दास लोग है, आप लोग कोई काट के नीचे जाके बैठने के लिए नहीं। हालेलुया।
अब समझ में आया होगा मैं बोल रहा है। हालेलुया, आप कहीं जाके चिपके हुए और किसी भी लोग देखना नहीं करके बैठने वाला नहीं, आज से पहाड़ी के ऊपर 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 चढ़ने वाला बन सके। हमारे लिए पहाड़ियों में चला हुआ एक यीशु मसीह है, वो अकेला नहीं चला है, वो अपने क्रूस को उठा के वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है, क्योंकि वो दुनिया के सारे लोग को उजियाला देने के लिए और दुनिया का सारे लोग को उद्धार देने के लिए वो पहाड़ी के ऊपर चल रहा है। हालेलुया, वो प्रभु का दास लोग बनकर प्रभु हमें बुलाया है, क्योंकि हम भी अपने क्रूस को उठा के हम उसके पीछे हो रहे। हालेलुया, यहाँ पे बैठने वाला सभी लोग सोचेगा, ओ प्रभु कल हम क्या करेंगे और कल हम लोग कैसे जीवन बिताएंगे, कल हम हमारा आगे क्या होगा करके सोचने के टाइम में मैं बोल रहा हूँ, ये दुनिया को बनाया हुआ प्रभु आपके साथ है, तो वो हमें आगे बढ़ाने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु है। हालेलुया, कितना लोग विश्वास करता है प्रभु हमें आगे बढ़ाने वाला प्रभु है। के नीचे पड़े कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, कोई अशुद्ध वस्तु को, पहला बात कोई सभी लोग बोल दी, कोई अशुद्ध वस्तुओं को छूना है। आज से प्रभु हमसे बात कर रहा है, हम लोग प्रभु का दास लोग हैं, हमारा हाथ पवित्र है और प्रभु ने पवित्र किया है इस हाथों में, हमारे हाथों में और प्रभु का शरीर और प्रभु का लघु को हम याद करते हुए उसको स्मरण करते हुए प्रभु औषधियां देने वाला लोग है। हमारा हाथों को, शरीरों को, आंखों को, आपके जीवों को प्रभु आज शुद्ध पवित्र करने जा रहा है। आज प्रभु बोल रहा है अशुद्ध वस्तुओं को हम ना छूना। हालेलुया, उसके नीचे पर उसके बीच से निकल जाओ, हे यहोवा के पात्रों को के ढोने वालों अपने को शुद्ध करो। वहाँ पे प्रभु के पात्रों को धोने वाला उठाने वाला लोगों को क्या बोल रहा है, अपने आप को शुद्ध करो। हालेलुया, आज प्रभु आपसे बोल रहा है अपने आप को शुद्ध करो। आज प्रभु को बोलो कि प्रभु मुझे शुद्ध और पवित्र करिए। हालेलुया, और मुझे शुद्ध और पवित्र करिए। कौन सा जगह से दूर भगाने के जाने के लिए बोल रहा है, वो अशुद्ध वस्तुओं को ना छूना है, उसके आगे से उसके बीचों से आप दूर भागना है। हालेलुया, तभी आप ये देश में अच्छा से सेवकाई कर सकता है। हालेलुया, और उसके नीचे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखा था प्रभु का कलिस, हम लोग एक कलिस में गया और वहां पे ये बचाने वाला डॉलर जैसा बैंड रखता है और एक जना भी पैर से ऐसा लगा है। मैं बोला ये प्रभु का आलय में रहने वाला सारे उपकरण वो पवित्र है। कितना लोगों को मालूम है पवित्र है करके, हमारा आलय के अंदर, हमारा चर्च के अंदर और इतना सारे चीज पवित्र रहना चाहिए। यहाँ पे प्रभु का पात्रों को उठाने वालों को भी प्रभु बोल रहा है तुम पवित्र हो जाए। हालेलुया, तो इतना पवित्र हम होना है। आज प्रभु से बोलना, प्रभु ये ऑर्डिनेशन लेने से पहले मुझे पवित्र कर। हालेलुया, तुम्हारा पैर बहुत सुंदर होगा। हालेलुया, सुसमाचार सुनाने वाला, उसको उठाने वाला, उसको लेके जाने वाला, आपके पैर बहुत सुंदर होगा। हालेलुया, और वैसा जगह से भाग जाओ, अशुद्ध वस्तुओं रहने वाले जगह से भाग जाओ। हालेलुया, और उसके नीचे पढ़ेंगे, क्योंकि तुमको दावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे। आज आप लोगों को प्रभु बोल रहा है, कितने लोग सो रहे हैं कि आज आप लोग रिसीव करें। हालेलुया, आज आप लोग को बोल रहा है आज से एक दौड़ है। हालेलुया, कल तक हम चुपचाप बैठ रहा था,
आज से आपको एक बड़ा दौड़ करना जरूरी है। प्रभु आपको दौड़ाएंगे। हालेलुया। आज प्रभु आपको लेके आगे बढ़ाने वाला प्रभु। हालेलुया। कितना लोग विश्वास कर जा, बोल दीजिए मुझे दौड़ाइए प्रभु। हम लोग धीरे 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 चलने वाला थी, मुझे दौड़ाना है, दौड़ना है और भी आगे बढ़ना है। हालेलुया। आज प्रभु आपको बोल रहा है, आपको आपकी कलीसिया को और दौड़ाना, और दौड़ाने के लिए वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। हालेलुया। आज 10 लोग बैठ रहा है और ये ऑर्डिनेशन के बाद आपकी कलीसिया में हजार लोग आपके पास आने वाला, एक बड़ा आने वाला, वो आशीष प्रभु आपके आगे देगा। इसलिए प्रभु बोल रहा है आप आज कल तक बैठने वाला जैसा नहीं, आज से दौड़ने वाला। ओ प्रभु मुझे दौड़ने का शक्ति दीजिए, मुझे दौड़ने का बल दीजिए, मुझे और भी आगे बढ़ना है। हालेलुया। कितना लोग बोल सकता है प्रभु आप मेरे साथ हैं, मुझे दौड़ना, मुझे और दौड़ाइए। आपके पात्रों को उठाने वाला मैं और पवित्र होना है, मैं आपके लिए दौड़ना है। वो अशुद्ध चीजों से हम दूर होना है और अशुद्ध वस्तुओं के बीच से हम दूर भागना है। हालेलुया। 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 उसको पढ़िए। आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा कौन? चलेगा यहोवा। यहोवा ने आपके आगे आगे है। आमेन। हालेलुया। आज आपके आगे आगे में कौन है? बहुत पास लोग का विश्वास है कि बहुत लोग बोल रहे हैं, मैं सुना था, अच्छा माइक रहने से, अच्छा बॉक्स रहने से ही पवित्र आत्मा आएंगे, आप लोग सोच रहे हैं। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ वैसा नहीं। हालेलुया। आज इसी जगहों में हजारों स्वर्गीय दूत यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे प्रभु का महिमा भी है। इसी जगह में अभी ऑर्डिनेशन करने वाला समय में आप लोग के ऊपर एक बड़ा विषय उतरेगा। हालेलुया। वो प्रभु आज भी जीवित है, हमको दूर करने के लिए, हमको प्रभु से दूर करने के लिए क्या क्या चीज है उसको अभी दूर करना है। हालेलुया। उसको हम लोग दूर करना है। प्रभु आप मेरे साथ में है, आप मेरे बीच में है, आप मेरे आगे आगे चलने वाला प्रभु है। हालेलुया। और यहाँ पे बता रहा है यहोवा तुम्हारे आगे आगे जाने वाला है, तू उसके पीछे पीछे दौड़ने वाला बन रहा है। आज किसी को विश्वास करने जा रहा है, विश्वास करने जा रहा है प्रभु मेरे आगे आगे। कोई संस्था नहीं, मैं नहीं, यहाँ हमारा संस्था नहीं, कोई नहीं, मैं सबको बोल रहा हूँ, हमको बुलाया हुआ हमारा संस्था नहीं है, हमको बुलाया हुआ कोई मनुष्य नहीं है, हमको बुलाने वाला प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह है। वो हमें बुलाया तो हमारे आगे आगे चलने के लिए वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। हालेलुया। वो हमारे आगे आगे चलने वाला है, हम उसको परखना है, उसको हम जानना है। हालेलुया। आप लोग सभी लोग मैसेज बोलने वाला व्यक्ति, हालेलुया, और सभी लोग मैसेज दे 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 रखे, सभी लोग को मजबूत करने वाला लोग है। और आज प्रभु का वचन आप लोग को बोल रहा है मैं आपके आगे आगे चलने वाला। हालेलुया। हालेलुया। इसराइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। तुम्हारे पीछे भी रक्षा करने के लिए इसराइल का परमेश्वर है, इतना बड़ा एक रक्षा करने वाला प्रभु, इतना बड़ा एक सेफ्टी रखने वाला प्रभु आप लोग के बीच में है, उसको हम ऊंचा करता है। हालेलुया। आज आप लोग के आगे आगे में भी है, आगे पीछे पीछे में भी है, फिर क्यों आप लोग डरना है? आपके सारे व्यवस्था करने के लिए प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। एसाया 61 पहला वचन, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हाँ, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया,
प्रभु ने तुम्हें अभिषेक कर रहा है, इसलिए कि उसके सुसमाचार को प्रचार करें और उसकी आत्मा हमारे अंदर है, हमारे में उसकी आत्मा है। हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है अभिषेक करने के समय में प्रभु की आत्मा हमारे अंदर उतर जाता है। हालेलुया। प्रभु के आत्मा इधर वचन कहता है और प्रभु के आत्मा मेरे में है। हालेलुया। और आज आप लोग ऑर्डिनेशन लेने के समय में आप लोग बोलना है प्रभु आपकी आत्मा मेरे ऊपर उतरने पाए। हालेलुया। और आप लोग विश्वास करना है मेरे अंदर प्रभु का आत्मा है और ये अभिषेक करने के समय में प्रभु आपको बलबंद करते हुए आपको ये देश में आपके पैरों को ताकत देते हुए आपके आंखों को शक्ति देते हुए आपके मुख में प्रभु का वचन देते हुए वो आपको आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। मेन बात ये है हम पवित्र हो गया है, हम अभी अशुद्ध चीजों से दूर हो गया है, अभी हमारे अंदर प्रभु की आत्मा रहना है। हालेलुया। और नीचे पढ़ें आपको प्रभु चुना है, किसके लिए चुना है करके यहाँ पे बता रहा है। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, मन में परेशानी में रहने वाला लोगों को शांति दिलाने के लिए प्रभु आप लोगों को बुलाया है। बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार, बंदियों को छुटकारा देने के लिए, एकदम छुटकारा देने के लिए प्रभु ने आपके बुलाया है। हालेलुया। कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। और विलाप करने वाले लोगों को देखते हुए उनको हर्ष करने वाला बनाने के लिए और शांति मन में देने के लिए प्रभु ने अपनी आत्मा को आप लोगों के बीच में आप लोगों के ऊपर दिया है। हालेलुया। और आप लोग जाने वाला सभी जगहों में क्यों आपको भेजा है, क्यों आपको ये जगह में रखा है, क्यों आप रहने वाला एरियाओं में गांवों में आपको रखा है, क्योंकि आप यहोवा परमेश्वर का सुसमाचार लेके जाने वाला लोग हैं। आप पहले किसी लोग आपको देखे हुए और आपको बहुमूल्य नहीं समझा था, रास्ते में पड़ा था, सभी लोग हमको खुजल के चलता था, आज प्रभु ने वो पत्थर को कैसे अपने हाथ में रखा है, जैसा वो बहुमूल्य हुआ है, जैसा आप लोग आज बहुमूल्य पत्थर बन रहा है। हालेलुया। और इसलिए उसके नीचे पड़े और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हम उसकी महिमा को प्रकट करने वाला, गवाही बोलने वाला बनना है। हालेलुया। आगे से प्रार्थना करना है, प्रभु जी मैं आपका गवाही बनना है, मैं आप दिया हुआ आशीषों को आपने दिया है, आपने मुझे आगे बढ़ाया करके बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। देश में बड़ा बड़ा कलीसियाओं को आप लोग स्थिर रहने से, इसमें स्थिर रहना है, इसमें संस्था में नहीं, आप लोग प्रभु में स्थिर रहने से प्रभु आपको ये देश में
राज करने वाला लोग बनाएंगे। और उसके वो एक और वचन जल्दी पढ़ेंगे, भजन संहिता 99 उसके 5। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। वो पवित्र प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। हमारा प्रभु क्या है? पवित्र प्रभु है। हालेलुया। उसको दंडवत करने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। हालेलुया। उसके नीचे पढ़े, उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से सैमुअल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। और वहाँ पे मूसा और हारून को सुनने वाला एक प्रभु था। आज आप लोगों का भी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला एक प्रभु है। हालेलुया। मूसा का प्रार्थनाओं को सुना हुआ और वहां पे आरोन का प्रार्थनाओं को सुनने वाला और आरोन वहां पे शमूएल का प्रार्थना सुनने वाला एक प्रभु हमारे लिए है। हालेलुया। आपको ये देश में आगे बढ़ाएंगे, ये देश में आप लोग को मजबूत कराएंगे। हालेलुया। वो प्रार्थना सुनने वाला बस नहीं, आप लोगों को उत्तर देने वाला भी है। हालेलुया। जो लोग विश्वास करता है प्रभु मेरे प्रार्थनाओं को भी सुनेंगे। हालेलुया। आपका प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। आपके आगे और पीछे उसका उद्धार है, उसका वो सिक्योरिटी करके आपको आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया। और वो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हालेलुया। और दो कुरिन्थियों 5 उसका 17 वचन। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो ये सब नई हो गई। आज हम लोग सभी लोग पुराना बात को छोड़ देना चाहिए। प्रभु बड़ा करने से हम लोग कुछ कुछ भूल जाता है, ऐसा भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पे बता रहा है आपके पुराना मनुष्य को उतार कर फेंक दे, पुराना बातों को फेंक दे। हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु बता रहा है आप आज से नया व्यक्ति बन रहा है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? कितने लोग मन में बोल रहे हैं कि मेरे मुझे नया थोड़ा सा नया बना दीजिए। हालेलुया। अभी हम लोग बोलना है प्रभु नया बना दीजिए, पुराना बात पूरा चले। कितना परेशानियां था, कितना मुश्किल था और परिवार के अंदर कितना मन दर्द था, ये सारे बातों को प्रभु अभी दूर कर रहा है। हमारा शरीर में रहने वाला तमाम बातों को प्रभु दूर कर, तुम्हारा जीवन में एक बदलावट प्रभु डाल रहा है। हालेलुया। आज आप प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। हालेलुया। आप नया एक सृष्टि बन रहा है। और आज हमारा पुराना सारे बात, मेरे को नहीं हुआ, मैं वो नहीं कर पाया, मेरे को मिशन में आगे बढ़ नहीं पाया, बहुत लोग वही बोल रहा है हमेशा, मैं नहीं हो पाया। प्रभु आपको दौड़ाने वाला प्रभु है। इसलिए प्रभु दौड़ाने वाला है तो अभी आप लोग उनसे बोलना है मुझे भी दौड़ाइए। हालेलुया। और बहुत लोग सोच रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म मिलना है, एक माइक मिलना है तो मिनिस्ट्री हो गई, या सोच रहा है ये आज हमारा अंदर से दूर करे। हालेलुया। हम लोग कहीं भी रहे, मैं एक जगह में गया, वही बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ में एक जगह में जा रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बोलेंगे आइए हम प्रार्थना करें, कोई नहीं आगे,
प्लीज मैं 20 उम्र में बाहर गांव पर हूं, मैं अकेला विश्वासी, मैं अकेला विश्वासी जरूर बोल रहा हूं, अकेले विश्वासी था। बड़ा बड़ा सांप वैसे जाएंगे इधर नीचे पूरा वो गाय का वो से हम लगाए हुआ है मिट्टी है, तो नीचे से नहीं में होल हो जाएगा, पूरा होल हो जाएगा, वहां का चूहा नहीं होल करेंगे। वैसे जगह में हम रहते हुए हम प्रभु का सेवकाई कर रहा था, उस समय बोलेंगे आइए प्रार्थना करें और हम गीत गाएंगे और हम वचन बोलेंगे हालेलुया। उस समय मेरा विश्वास था ये जगह में एक कलीसिया उठेगी। आप अकेला है तो भी आपको उठाने वाला प्रभु जीवित है। योसेफ अकेला जा रहा था, योसेफ अकेला किसी को नहीं चाहिए, उसको उठा के गड्ढे में डाल दिया, उसको वहां से उठा के बेच दिया। तुमको हमारा जरूरत नहीं, आप लोग भी आज वैसे परिस्थिति में है, कुछ लोग हमको बेच रहा है जैसा, कुछ लोग हमको छोड़ दिया जैसा, कुछ लोग हमको छोड़ के गया जैसा, रहने वाला जगह में प्रभु आपको बोल रहा है वो अकेला योसेफ को वहां पे इजिप्ट में लेके जाके प्रभु क्या कर रहा है, प्रभु उसको उठा रहा है, ऊंचा पहाड़ियों में बिठा रहा है। हालेलुया। आपका पैर बहुत सुंदर है, दूसरे लोगों को नहीं बोला, हम लोग को बोल रहा है कि आप लोग के पैर प्रभु का वचन लेके जाने वालों का पैर इतना सुंदर है, इसलिए कि आप लोग खुद आया हुआ नहीं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आप लोग को लाया है। मेरा एक विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ आप लोग स्थिर रहे, उसका फल प्रभु आप लोगों को देगा। आज आप लोग क्या मिलेगा करके ना सोचना, आज आप लोग बोलना है मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे प्रभु मेरे साथ है, मुझे आगे बढ़ाएंगे, जरूर मुझे आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। आप लोग का आज से मैं आप लोग को आशीष दे रहा हूँ, आप लोग चर्च में एकदम चेंजेस हो जाएगा, जमीन में एकदम चेंजेस प्रभु दे। आप कौन कौन जमीन के लिए वो प्रेयर कर रहा है उनको प्रभु ये आने वाला साल में देगा, आप लोग का कलीसिया खड़ा हो जाएगा। विश्वास के साथ बोलना है और प्रभु मुझे खड़ा करे और इसमें और प्रभु आप लोगों का आगे में और हजारों लोगों को बिठाएंगे। ये काम मेरा नहीं है, आपका नहीं है, ये काम किसका नहीं है, हमारा काम नहीं है। कितना लोग टेंशन में बैठ रहे हैं कलीसिया के लिए, वचन बोलता है बोलने वाला हम लोग हैं, उगाने वाला परमेश्वर है, बोलने वाला आप लोग हैं, उगाने वाला परमेश्वर है, वो आपके देश में उगाए, इसको कलीसियाओं को उगाए। हालेलुया। आप लोग बीच में बड़ा चमत्कार को प्रभु करें और इसलिए ये काम मेरा नहीं है, प्रभु का है, तो विश्वास करते हैं आप लोग सुनना थे कि ऑर्डिनेशन लेने के लिए आगे आने के लिए मैं बता रहा हूँ और आने वाला समय में प्रभु आप लोगों को अच्छा से फल देंगे, आगे बढ़ाएंगे। वो सुनने वाला भी है, उत्तर देने वाला भी है। सभी लोग खड़ा हो जाएंगे, हम प्रेयर करेंगे। हमारे जीवन दान हमारे परमेश्वर को, आज इसी समय में प्रभु जी आपके चरणों में हम लोग आ रहा है, आपके पवित्र आत्मा ये जगह में उतरने पाए, आपके स्वर्गीय दूत यहाँ पे उतरने पाए, इस जगह में बहुत बड़ा वो प्रभु का अखी इसी जगह में उतर रहा है, एक ऊपर प्रभु का अखी उतर रहा है, वो मेघ के जैसा, मेघ के जैसा एक व्हाइट होते हुए इस कलीसिया के अंदर अखी के साथ वो प्रभु का महिमा उतर रहा है, वो हम देख रहा है। आज इसी समय में बोल दीजिए प्रभु जी मुझे पवित्र करे, मुझे पवित्र करे, मुझे पवित्र करे,
हालेलुया रिसीव द होली फायर ओ प्रभु जी आपका अभिषेक आपकी आखी एक एक के ऊपर उतरने पाए एक एक के ऊपर उतरने पाए पवित्र आत्मा अभिषेक करे आज प्रभु जी ये लोग यहाँ पे पवित्रता के साथ आगे बढ़ने के लिए आपने कृपा कर रहा है आपके वचन बताया आपने हमें आगे बढ़ा ले मेरे आगे मेरे पीछे आप क्यों डरना है आज इसी वक्त यहाँ भी खड़ा होने वाला तमाम फर्स्ट लोग के ऊपर बहन लोग के ऊपर प्रभु की आखिरी उतरने प्रभु का महिमा उतरने पाए प्रभु के पवित्र आत्मा उतरने पाए आज एकदम बलवंतों के आगे बढ़े प्रभु जी अभी इसी वक्त यहाँ पे रहने वाला तमाम वस्त्र लोग वो प्रभु जी मजबूत के साथ अपने अपने गांवों में शहरों में वो प्रभु जी और भी आगे बढ़ सकता है आपके वचन में मजबूत किए धन्यवाद ये ऑर्डिनेशन के टाइम में प्रभु जी आप हमारे साथ रहे लोगों के ऊपर हाथ रख रहे हमें भी पवित्र और शुद्ध करें आज इसी वक्त में आपके शुद्ध दूध हमारे चारों तरफ उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से आमीन।